सोमवार को सपाओं को किसान पद यात्रा का रोड पर निकाला जनसैलाब। सपाओं ने 10 किमी का पैदल चलकर दिया ज्ञापन। भाजपा के विकास एवं किसान के बिल का रहा मुद्दा, हजारों की संख्या में सपा रहे मौजूद। सपाओं का संबल पुलिस प्रशासन के छोटे पसीने। जी हां, खबर है चंदौली से, जहां पर सपा के पूर्व सांसद रामकिशन यादव व पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने अपने हुजूम के साथ चंदौली एडीएम अतुल कुमार को दिया ज्ञापन। बताते चले कि सपा नीति के बताए कि केंद्र प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों को किसानों के श्रमिकों के हित का गहरा आघात लग रहा है। इन नीतियों से कॉर्पोरेटर घरानों के फायदा होगा, जबकि किसान और श्रमिकों के बेदहारी और बढ़ेगी। कृषि और किसान के साथ सामाजिक ही कठिन समस्या देश के अर्थव्यवस्था को संभलता है, पर अब अन्नदाता को ही हर तरह से उत्पीड़न का शिकार बन जा रहा है। यदि समय रहा तो कृषि और श्रमिकों कानून को वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश में खेती बर्बाद हो जाएगी और श्रमिकों बंदों पर मजदूर बनकर रह जाएंगे। 5 वर्ष से हजारों किसान अपनी जान गंवा बैठे हैं। भाजपा सरकार की नीति देश की संविदा को निजी क्षेत्रों में सौंपना के कारण के रोजगार की समस्या पैदा हो गई है। कोरोना के संकट में दौरों में लाखों श्रमिकों को पलायन हुआ, लॉकडाउन में नौकरियां छीन ली गई आदि मुद्दों को लेकर सपा पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने शहीद राजा के शहीद स्थल के चंदौली मुख्यालय तथा लगभग 10 किमी पैदल चलकर दिया ज्ञापन। खास खबर सुजीत कुमार के साथ। और ये हजारों हजार की संख्या में हमारे बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी और पार्टी के पदाधिकारी और किसान इंतजार कर रहे हैं। हुजूम, आपको रोड जाम दिख रहा है, आपको लग रहा है कोई इंतजार नहीं कर रहा है? क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि आपकी उपस्थिति में अगर ज्ञापन दिया जाता तो? और देखिए, ऐसा है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, नाती पोता वाला हो गया हूँ, चलने में थक गया, 15-20 किलोमीटर पैदल आ रहा हूँ सर, थोड़ा तो तरस करिए। रह गई सवाल, बहुत से लोगों को बढ़ही तिरही का कार्यक्रम रहता है, लेकिन मैंने कह दिया। लेकिन सब तो आपको युवा नेता बोलते हैं। युवा नेता बोलते हैं, वो तो जिंदगी भर वो तो उनकी महानता है, क्योंकि अब राष्ट्रीय कमेटी में चला गया तो बूढ़ा हो गया, तब तो चला गया, और बेटा को जब बेटा हो गया तो बूढ़ा ही हो गया। लेकिन रह गई सवाल हमारे साथियों का जोश, हमको बूढ़ा नहीं होने देता। तो क्या ये मानते हैं कि आप बूढ़े हो गए हैं, इसके वजह से आपका इंतजार नहीं किया जा रहा है? कौन इंतजार नहीं कर रहा, आप बता रहे हैं, एडीएम हाथ जोड़ रहे हैं, आपके लिए देख रहे हैं, कप्तान साहब हाथ जोड़ रहे हैं कि विधायक यहाँ चल चलिए। अध्यक्ष जी ने आपका इंतजार नहीं किया, ज्ञापन दे दिए।